सभी को मेरा प्रणाम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और प्रभात। मैं सुमिन प्रकाश आज कम्युनिकेशन एंड इट्स डायनेमिक्स फॉर टीचर एजुकेशन विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष हूँ सबसे पहले मैं इस ग्रुप के संयोजक डॉक्टर सोमू सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको ये मंच दिया है और इस कड़ी में अब तक करीब करीब पचास व्याख्यान हो चुके हैं वैसे तो मेरा नंबर तैंतालीसवें व्याख्यान के लिए था लेकिन तकनीकी समस्याओं के वजह से मैं उस दिन आप सबसे बात नहीं कर पाया था इसलिए आज पुनः हाँ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं ये अपना जो उद्बोधन है ये जो लेक्चर है प्रेजेंटेशन है मैं अपने सभी गुरुजनों को समर्पित करना चाहता हूँ सभी छात्रों को समर्पित करना चाहता हूँ सभी साथियों को समर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक मुझे सहयोग किया और हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं और सुनने वालों में से बहुत सारे लोग हमारे मित्र होंगे बहुत सारे अनुज होंगे बहुत सारे अग्रज हैं बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो हमारे स्कूल के भी शिक्षक आजकल चूँकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोग एक साथ उपस्थित हो सकते हैं उपस्थित हैं बल्कि बहुत पुराने साथी कॉलेज के दिनों के विश्वविद्यालय के दिनों के तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये मैं उन सबको समर्पित करना चाहता हूँ ये जो कम्युनिकेशन है जिसके बारे में हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है जिससे हम सब लोग परिचित हैं हो सकता है कि हम ये नहीं जाने इसको हम डिकोड नहीं कर पाने की स्थिति में हो लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसा या हम कह सकते हैं कि ऐसा एस, ऐसा एक टूल हमारे पास है एक ऐसा यंत्र हमारे पास कम्युनिकेशन है जिसे जाने अनजाने हम करते हैं जब जन्म लेते हैं और अपने मृत्यु तक हम ऐसा कह सकते हैं सो राइट फ्रॉम द वोम टू टॉम जन्म से लेकर के मृत्यु तक कम्युनिकेशन हम करते हैं हमारा कोई भी बिहेवियर वो कुछ न कुछ दूसरों को कम्युनिकेट करता है हम ऐसा कह सकते हैं कम्युनिकेशन को हम अगर देखें विभिन्न भाषाओं में तो हम इसे संप्रेषण कहते हैं हम इसे संचार समझते हैं हम इसे संपर्क कहते हैं हम इसे सूचना कहते हैं हम इसे जन सूचना कहते हैं हम इसे पत्र व्यवहार भी कहते हैं हम इसे व्यवहार मार्ग भी कहते हैं हम इसे अन्य शब्दावली के माध्यम से भी समझते हैं तो संप्रेषण को अगर हम देखें कम्युनिकेशन को हम लोग देखें तो हमारा जो बिहेवियर है हमारा जो व्यवहार है वो खुद से कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन ऐसा अभी हम लोग आगे विभिन्न परिभाषाओं को पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे तो कम्युनिकेशन को ऐसा हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई कोई भावना कोई सूचना कोई 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 मंत्र कोई कोई, कोई मीनिंग कोई कोई बात कोई कोई इमोशन हम दूसरों तक पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से आ, कई बार जैसे हम शिक्षकों के लिए ये हम जानबूझ के पहुंचाते हैं या अपने वर्क प्लेसेस पर जब हम लोग होते हैं तो हम लोग जानबूझ के कम्युनिकेट करते हैं घर में एक दूसरे से किसी चीज़ की जरूरत जब हमारी होती है कोई हमारी आवश्यकता होती है तो हम कम्युनिकेट जानबूझ के करते हैं लेकिन फिर भी अगर हम चुपचाप बैठे हैं हमारा जो साइलेंस है वो भी कम्युनिकेट करता है और इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन जब जब कुछ भी कोई 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 हमारी हाव भाव या हमारे शब्द जब लिमिट हो जाते हैं जब चीज़ों को हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने हाव भाव के माध्यम से जब हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम मौन कर लेते हैं और उसका बहुत 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 गहरा एक, एक मतलब होता है मीनिंग होता है तो इस तरीके से अभी अपने प्रेजेंटेशन के आगे भाग में हम विभिन्न प्रश्नों को के बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये जो प्रस्तुति है हमारी मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा तो अगर सबसे पहले हमारे मन में एक, एक सवाल के साथ अगर हम शुरू करें कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जानबूझ के या बिना जाने हुए अज्ञानता में भी कम्युनिकेट करते हैं अब प्रश्न है कि क्यों कम्युनिकेट करते हैं ये जो संप्रेषण है चाहे वो एक तरफ का हो या दोनों तरफ का हो हम लोग बाद में बात करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो कम्युनिकेशन हम करते क्यों हैं तो इस सवाल के उत्तर में अगर हम देखें तो Uh, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने वाई डू वी कम्युनिकेट अब बहुत सारे थियरीज भी हैं जिसके बारे में हम लोग अभी आने वाले समय में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो उत्तर इस प्रश्न का हमें मिलता है वो है कि वी कम्युनिकेट टू परसु परसुएट हम लोगों को कुछ बताने के लिए उनको सहमत करने के लिए उन, उ, 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 उनको अपनी आवश्यक उन तक अपनी आवश्यकताओं को पहुंचाने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं ठीक है या अपनी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं या हम कह सकते हैं कि दूसरों से कोई बात मनवाने के लिए हम या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे इसका एक उदाहरण हम ले कि क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक माँ जो है वो अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जब बच्चा रोता है किसी भी आवश्यकता की वजह से तो किसी भी आवश्यकता के लिए अपनी बातों को बच्चा माँ के सामने प्रस्तुत करता है या प्यार के साथ हम 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 उस बच्चे को या उस बच्चे की माँ उसके पीठ थपथपा देती है ये कम्युनिकेशन है ये इसका मतलब ये है कि वो जो थपथपाना है उसने बच्चे को एक संदेश दे दिया कि बच्चा सुरक्षित है या उसकी जो आवश्यकताएँ हैं वो आने वाले समय में पूरी की जाएंगी इसी तरीके से एक और जो चीज़ आता है इस इस प्रश्न का उत्तर कि हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं तो इसका उत्तर है कि वी कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू गिव और टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशंस हम सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम सूचनाओं को बताने के लिए कम्युनिकेट करते हैं हम किसी चीज़ को जैसे साइंस टीचर है वो किसी एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए अपने छात्रों से कम्युनिकेट करता है ठीक है इसी तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन के जीवन के जितने भी हमारे पहलू हैं हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब में हम देखते हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं या हम कम्युनिकेट होते हैं इंफॉर्मेशन आइधर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं या इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे तक पहुंचता है एक छात्र के रूप में एक नागरिक के रूप में हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेश्स को लेने के लिए वी कम्युनिकेट फॉर सिकिंग इन्फॉर्मेशन हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं कोई दुकान वाले से हम पूछ लेते हैं किसी साइकिल वाले को रोक करके पूछ लेते हैं किसी गाड़ी वाले से रोक करके पूछ लेते हैं कोई पासर भाई है कोई राहगीर है उसके साथ हम रास्ता पूछ लेते हैं तो हम इसी तरीके से शिक्षकों से हम पूछते हैं ज्ञान लेने के लिए कि सर हमें ये फला बुक बताइए ये हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसमें आप हमें आर्टिकल बताइए इसमें कोई और आगे पढ़ने की कोई चीज़ है हमें बताइए टूल बताइए हमें टेक्निक बताइए तो ये सब के सब हमारे जो बिहेवियर हमारे जो भावनाएं हैं हमारे जो व्यवहार हैं ये इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए या इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को लेने के लिए होती है हम कम्युनिकेट करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ों को हो सकता है कि हम जानते हों हम उस पर और आगे जानना चाहते हैं कि इससे आगे की और सूचना क्या है इसके आगे का और ज्ञान क्या है तो उस ज्ञान को जानने के लिए या उसको हम क्लैरिफाई करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं इसी तरीके से जब हमारे भीतर की जो 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 हमारे अंदर जो इमोशंस हैं जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं है ना जैसे हम डरे हुए हैं तो हमारे हमारा जो चेहरा है वो बताता है किसी का कॉन्फिडेंस है या कोई कॉन्फिडेंट नहीं है उसका चेहरा वो बताता है तो अपने जो भावनाएं हमारे अंदर जो भावनाएं हैं जो कोवर्ट बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे के भाव अलग होते हैं और उससे पता चल जाता है कि आदमी कंफर्टेबल है या खुश है इसी तरीके से जब हम दुखी होते हैं जब हम सेटिस्फाई होते हैं एक शिक्षक के रूप में जब क्लास में आप बच्चों को किसी चीज़ को समझा देते हैं तो बच्चे के, के चेहरे के भाव से आप पता लगाते हैं बच्चा के बच्चा का जो चेहरा है उसका जो बिहेवियर है वो कम्युनिकेट करता है कि वो सेटिस्फाइड है या वो सेटिस्फाइड नहीं है इसी तरीके से एक क्लास एक एक शिक्षक जब क्लास ले करके बाहर जब निकलता है और और, और लगता है शिक्षक को कि जो जो जो, जो चीज़ें मैं पढ़ाने के लिए गया था ठीक है सो so एक, एक टीचर वेन ए टीचर फील्स दैट ही हैज़ कम्प्लीटेड द ऑब्जेक्टिव विच ही और शी वेंट इन टू द क्लास फॉर देन हम समझते हैं या हम सेटिस्फाइड होते हैं और वो चे, क्लास से निकलने के बाद एक शिक्षक के चेहरे का जो भाव है बहुत सेटिस्फाइड होता है तो हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि वाई डू वी कम्युनिकेट कभी कभी हम आ, 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 अपने इमोशंस को छुपा भी लेते हैं है ना वो एक अलग तरीका है या एक अलग चीज है कम्युनिकेशन स्किल अगर समय मिलता है तो उसके बारे में भी बात करते हैं अब जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि वट कम्युनिकेशन इज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया कि कम्युनिकेशन क्या है ठीक है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस है ना हम ऐसा डिस्कस कर सकते हैं या ऐसा हम उसको सिंपलीफाई करके हम बात कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशनस आइदर बाय स्पीकिंग राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम कम्युनिकेशन हम बोल करके करते हैं जैसा मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कम्युनिकेशन हम लिख करके चीज़ों को करते हैं कम्युनिकेशन हम दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं जैसे मैं सर को हिला रहा हूँ या मैं अपने हाथों के इशारे से चीज़ों को आ, आ, असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस तरीके से भी हम कम्युनिकेट करते हैं आवाज आ रही है जी बहुत अच्छा लग रहा है फेस रीडिंग फेस रीडिंग जी आकाश जी hey. धन्यवाद फेस रीडिंग भी एक कम्युनिकेशन है सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए थैंक यू <coughs> इसी तरीके से अगर हम बात करें कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रतिदिन हम देखते हैं एंड एंड दीज आर सिमिलर टर्मिनोलॉजी लाइक कम्युनिकेशन transmission imparting of information as i said conveying reporting presenting relay of conveyance divergence disclosure spreading dissemination broadcasting circulation so these are the different terminologies which resemble or which are synonymous to the word communication that we are discussing इसी तरीके से और अगर हम कम्युनिकेशन को विस्तार से समझने की कोशिश करें तो अभी जैसा हमने कहा इट्स अ मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इट कैन बी आइदर थ्रू फेस टू फेस इट कैन बी थ्रू टेलीफोन टेलीफोन्स और सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट और वायर्ड और इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस हम लोग अभी टाइप्स को हम लोग थोड़ा और बाद में भी पढ़ेंगे डिस्कस uh, करेंगे इसी तरीके से कम्युनिकेशन uh, का मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है है ना वी नीड कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रेलवेज एयरवेज सब लोग मिस कर रहे होंगे अभी रेलवेज को एयरवेज को ये कोविड के पीरियड के टाइम में इसी तरीके से लेटर uh, कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया सोशल कॉन्टैक्ट डीलिंग्स रिलेशंस, कनेक्शन एसोसिएशन टॉक्स कन्वर्सेशन मीटिंग चैटिंग कॉमर्स ट्रैफिक all these are the different terminologies which are synonymous to the word communication that we are discussing if we discuss the origin of the very word communication agar thoda hum aur pehle jate hain to communication jo hai ek latin word se bana hai first first jo latin word tha that was communicare बाद में वो transform करके कम्युनिकेटियो बना उसके बाद old French में एक वर्ड मिलता है कम्युनिक कम्युनिकेशन उसके बाद लेट मिटिल इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये वर्ड कम्युनिकेशन हुआ और मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसको एज ए नाउन हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट अगर हम लोग और कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस को अगर हम देखें देन आई वुड लाइक टू कोट न्यूमन एंड समर एंड दे डिफाइंड दैट कम्युनिकेशन एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज़ ओपीनियन और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हमने अभी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है आइडियाज़ है इमोशंस है ओपिनियंस है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इसी तरीके से आई वुड लाइक टू कोट ओवर हियर होबेन ही हैज़ डिफाइंड दैट इट इज़ द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज कम्युनिकेशन जो है थॉट्स और आइडियाज का वर्बल एक्सचेंज है या वर्बल इंटरचेंज है Uh, similarly, I would like to quote over here Anderson, uh, who defined that communication is the process by which we understand others in turn, endeavor to understand by them. It is dynamic, constantly changing and shifting in response to uh, the total situations. This topic we Anderson और इसलिए मैंने टॉपिक रखा टॉपिक कम्युनिकेशन एंड इट्स डायनेमिक्स फॉर टीचर एजुकेशन इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन हमारा कॉन्स्टेंट नहीं होता है कम्युनिकेशन हमारा जो है वो सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से चेंज करता है हमारे ऐज के साथ हमारा कम्युनिकेशन चेंज करता है हमारे प्रोफेशन के साथ हमारा कम्युनिकेशन चेंज करता है हमारे सिचुएशन के अनुसार हमारा कम्युनिकेशन चेंज करता है वेदर वी आर इन सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस वेदर वी आर इन सिचुएशन ऑफ नॉर्मेलिसी वेदर वी आर इन सिचुएशन ऑफ जैसे सब लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वी आर इन द सिचुएशन ऑफ कोविड सो ये ये सारा जो परिस्थिति है जो जिसको सम, सम, समायिक परिस्थिति भी हम कह सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन हैं ऑल दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स और दीज आर द डिटर्मिनेट्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन शायद नॉर्मल दिनों में ये इस कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग फेसबुक के माध्यम से अपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ आ, या अपने कलीग्स के साथ हम लोग इस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करके वर्चुअल मीडिया को यूज़ करके आज हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ सिचुएशन और दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन विच हैज़ बीन क्रिएटेड और विच वी आर विटनेसिंग राइट नाउ ये इस तरीके से जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ये हम हमारा रिस्पॉन्स है जो आज का जो सिचुएशन है वर्ल्ड का जो सिचुएशन है जो लॉकडाउन का सिचुएशन है कोविड नाइन्टीन का ये जो पेंडेमिक है इसके वजह से सिचुएशन ये क्रिएट हुआ है और इसलिए हम लोग एक दूसरे से चूंकि फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे जगह हम लोग जा नहीं सकते हैं सो दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड दिस वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल हम स्टूडेंट्स को जो लॉस हो रहा है उनसे उनको बचाने के लिए हम इस माध्यम के इस, इस माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और आई एम रिमाइंडेड ऑफ द वेरी इवेंट जब इस फेसबुक श्रृंखला ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं पचासवां है ये आज कि सबसे पहले uh, इस टीचर एजुकेशन इन इंडिया ग्रुप के सदस्य uh, डॉक्टर गौरव सिंह ने ये जो मोशन है कि हम लोग इस तरीके से फेसबुक के माध्यम से एक लाइव लेक्चर सीरीज शुरू करें तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर गौरव सिंह जिन्होंने ये वेरी ब्रिलियंट आइडिया दिया था एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल डॉक्टर सोमी सिंह ने उसको एक सपोर्ट uh, किया मैंने भी सपोर्ट किया पर हैप्स आई फाइम करेक्ट डॉक्टर पतंजलि मिश्रा भी थे और कुछ हमारे साथी थे जो इस uh, uh, सभी लोग इस पेज के एक्टिव मेम्बर्स हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया डॉक्टर प्रवीण तिवारी भी थे उस समय उस वो जो कंटेक्चुअल जो डिस्कशन है और हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि यस इट्स वेरी नाइस आइडिया एंड वी कैन प्रोसीड थ्रू तो इसलिए एंडरसन भी ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच वी वी अंडरस्टैंड अदर्स इन टर्न इंडेवर टू बी अंडरस्टूड बाय देम एंड इट इज़ अ कम्युनिकेशन इज जैसा मैंने बताया कि इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस कम्युनिकेशन चेंजेस विद द चेंजिंग सिचुएशन कम्युनिकेशन चेंजेस विद द नीड्स कम्युनिकेशन चेंजेस विद द सिस्टम्स इसी तरीके से आगे शनॉन एंड वीवर ने कहा कि इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसीजर्स बाई विच वन माइंड में अफेक्ट अनादर एक मस्तिष्क जो है एक विचार दूसरे को कैसे प्रभावित करता है है ना ये भी कम्युनिकेशन है या इस प्रक्रिया को भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रिटन एंड ओरल स्पीच बट ऑल्सो म्यूजिक संगीत भी कम्युनिकेशन है पिक्चोरियल आर्ट्स पिक्चर्स जो हम बनाते हैं जो पिक्चोरियल आर्ट्स बनाते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है और आज के डेट में तो रिसर्चर्स बहुत सारे पुरानी पेंटिंग्स को रिसर्च करते हैं उनमें जो थीम्स थे उनको लेकर के आते हैं कि 1900 में क्या कहा गया था 1800 सौ ईस्वी में क्या कहा गया था वो पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो पिक्चोरियल आर्ट्स हैं ये सब के सब डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है इसी तरीके से थिएटर एक आर्ट है थिएटर बहुत सारी चीजों को वो हमारे सामने हमारे सामने लाता है रिवील करता है and एंड दैट्स वाई वी and we वीवर say that all these are different forms of communication and that's why these are under the definition of communication uh, इसी तरीके से अगर हम और बात करें इन फैक्ट वी कैन से दैट ऑल human बिहेवियर अभी इस सीरीज में लर्निंग पे बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज वेरी पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर कम्युनिकेशन हमारे बिहेवियर का एक पार्ट है या हम कह सकते हैं कि हमारा जितने भी हमारे बिहेवियर हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है वो सारे जो बिहेवियर हैं वो सब कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स और फॉर्म्स हैं और कम्युनिकेशन इज़ बेसिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी जो पर्सनैलिटी हमें एडजस्टमेंट सिखाती है पर्सनैलिटी हमें एडजस्टमेंट में मदद करती है इसी तरीके से कम्युनिकेशन भी हमारा डिफरेंट uh, सिचुएशंस में हमारा जो रिस्पांस है वो तय करता है एंड दैट्स वाई टीचर एजुकेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन जानना और उसको डिकोड करना उसके डायनेमिक्स को समझना क्यों जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेसिक टू लर्निंग कम्युनिकेशन नहीं ठीक से होता है तो बहुत सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं हम लोग जानते हैं जैसे ऑटिज्म है एडीएचडी है बहुत सारे ऐसे और डिसऑर्डर्स हैं नॉर्मल पीपल में भी कम्युनिकेशन में बहुत डिसऑर्डर होता है देर आर मैनी पीपल हुआ शो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन वो एक, एक खास माध्यम से एक वो लिख करके चीजों को तो कम्युनिकेट कर सकते हैं बट दे मे एक्सपीरियंस और दे हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वो लोगों के सामने बोल के चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जिसका सिर्फ लैंग्वेज के साथ जिसका सिर्फ आ, या या हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज डिटर्मिंड बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इट डिपेंड्स अपॉन द इमोशंस इट डिपेंड अपॉन द एडजस्टमेंट इट डिपेंड अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन ठीक है तो इसलिए एक पर्सन एक कोई आदमी कोई व्यक्ति एक माध्यम से चीजों को कोई लिख करके चीजों को अच्छे से व्यक्त कर सकता है कोई किसी चीज को बता करके चीजों को अच्छे से व्यक्त कर सकता है कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है उसकी उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे वेल well भी हैं जो कि अच्छा लिख भी सकते हैं अच्छा बोल भी सकते हैं तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कोट वन डेफिनेशन ऑफ जॉन डीवी विच इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू कोट ही कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेज टिल इट बिकम्स ए कॉमन पोजिशन जैसा अभी हम लोग कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट और रीजन में भी हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन का मतलब है समथिंग विच इज कॉमन और जब दो लोग बात कर रहे हैं जब दो लोग आइडियाज को ओपिनियन को इमोशंस को जब शेयर कर रहे हैं और जब दोनों उन चीजों को शेयर कर लेते हैं ये हम कैसे समझ सकते हैं कि दोनों शेयर कर लिए तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने जो जो चीजें जो जो ओपिनियन दिया जो आइडिया दिया वेन इट बिकम्स कॉमन यानी कि द वन हु इज कम्युनिकेटिंग जो ओपिनियन दे रहा है जो ओपिनियन बता रहा है चाहे लिख के बताए हाव भाव से बताए बोल करके बताए वो ओपिनियन अगर सामने वाले तक पहुंच गया जिसे हम कम्युनिकेट ही कहते हैं कम्युनिकेशन के टर्म्स में तो अगर कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी दोनों ने उस ओपिनियन को कॉमन बना दिया उस आइडिया को उस इमोशन को कॉमन बना लिया तो हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का हमारा जो प्रोसेस है दैट इज ओवर यह हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है दैट इज कंप्लीट लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है देर आर डिफरेंट फैक्टर्स चाहे वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो या दो फ्रेंड्स के बीच का कोई कोई डायलॉग हो कोई डिस्कशन हो कोई कम्युनिकेशन हो कई बार हम शेयरेबल सिचुएशन में नहीं आते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो सामने वाले तक नहीं पहुंचते हैं Some... Is there any problem? Bring them on camera. अगर सब ठीक ठाक है तो कृपया कुछ लिख करके कोई बताएं कोई दर्शक ओके थैंक यू थैंक यू आकाश जी 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 कोडिंग पे अभी मैं आ रहा हूं यस वेरी गुड वेरी गुड यस तो हम ये बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होता है जब कोई आइडिया ओपिनियन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर लिया जाता है जब तक वो शेयर नहीं होता है या हम ऐसे समझ सकते हैं कि द एक्सटेंट टू विच द थिंग्स और द ओपिनियन और द आइडियाज और द इमोशंस बिकम कॉमन है ना तो ये जो जब जितना ज्यादा वो कॉमन होगा हम कह सकते हैं कि उतना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा इसलिए कम्युनिकेशन एक ऐसा डायनेमिक्स है विच इज डिटर्मिन बाय मेनी फैक्टर्स इट्स नॉट द लैंग्वेज इन लोन इट्स नॉट द प्रेजेंटेशन इन लोन इट्स नॉट द ऑडियो विजुअल एड्स इन लोन इट्स नॉट कंटेंट ए लोन इसलिए सबको मिला करके हम डिफरेंट थियरीज की बात अभी करेंगे उसमें ठीक है तो सब मिला करके ये सारे जो फैक्टर्स हमने डिटर्मिन किए ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को डिटर्मिन करते हैं इसलिए कम्युनिकेशन को डिकोड करने के लिए इन सारे फैक्टर्स को हमें समझना जरूरी है और अगर ये ये सारे फैक्टर जो जो कॉमन शेयरिंग जिसकी बात हमने अभी की अगर वो शेयरिंग जितना जितना एक्सटेंड तक जितना हद तक वो शेयरिंग होगा उतना ही हद तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा अगर मैं कुछ फ्रेंच में कह रहा हूँ सामने वाले को कोई बात नहीं समझ में आए मैं कुछ हिंदी में कह रहा हूँ सामने वाले हमारे जो दर्शक हैं हमारे जो ऑडियंस हैं अगर वो वो नहीं समझते यानी कि लैंग्वेज का कॉमन होना जरूरी है इमोशंस का कॉमन होना जरूरी है सिचुएशंस का कॉमन होना जरूरी है मैं जिस सिचुएशन में हूँ ठीक है अगर उस सिचुएशन में सामने वाला नहीं है जो मेरे दर्शक हैं जो मेरे श्रोता हैं अगर उस सिचुएशन से सहमत नहीं है या उन सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा मैं कितना चिखता चिलता अपने संवेदनाओं को व्यक्त करता रह जाऊंगा सामने वाला इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा मैं कितना ज्ञानी हूं मैं कितना अज्ञानी हूं मैं चीजों को बोलता रह जाऊंगा अगर लैंग्वेज कॉमन नहीं है सिचुएशन कॉमन नहीं है इमोशंस कॉमन नहीं है तो उन चीजों को समझ नहीं पाएगा तो इसलिए लैंग्वेज ये जो कम्युनिकेशन है इट इज डिटर्मिंड बाय मेनी फैक्टर्स अब हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा किताबी भाषा में मैं जाना चाहूंगा फिर से सो कम्युनिकेशन वी कैन से दैट कम्युनिकेशन क्या है ना अभी हमने बात की कि वाई डू वी कम्युनिकेट

ठीक है इसलिए कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए पर्पज अब वो पर्पज कुछ भी हो सकता है इट कैन द पर्पस मे बी इंटेंडेड टू इम्पैक्ट बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर पे प्रभाव डालने वाला वो हो सकता है इट मे बी एन अटेम्प्ट और द पर्पज मे बी टू चेंज द एटीट्यूड कल अभी सब लोगों ने हम लोगों ने पर्यावरण दिवस बनाया पर्यावरण दिवस मनाया पाँच जून को ठीक है तो पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे जो मकसद है जो कम्युनिकेशन कल हुआ डिफरेंट वेबिनार्स के फॉर्म में क्लोज डिस्कशंस के फॉर्म में न्यूज़ में मीडिया में पैनल डिस्कशंस के फॉर्म में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में दो दो लोगों के बीच में हमारे घर में भी कम्युनिकेशन हुआ तो इन सब का पर्पज़ है कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को चेंज करना हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट करना कि हम किस तरीके से पर्यावरण के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सके ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम हो सके इसी तरीके से हमारा जो पर्पस है कम्युनिकेशन का इट मे बी टू प्रूव अपनी बातों को तर्क के साथ रखना दूसरे के तर्कों से ऊपर जाना या सामने वाली की बातों के ऊपर जाना अपने आप को प्रूव करना जिसे हम साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं टू डिस कोई सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है कोई कोई तर्क वो रख रहा है तो अपने बातों से उसको डिस्प्रूव करना है ना उसके उसके बातों को गलत गलत साबित करना है ना या उसके बातों को गलत कर साबित करना और अपनी बातों को उसे मनवाने की चेष्टा करना सो दैट्स वाई द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू आइदर प्रूव और टू डिस्प्रूव और टू स्प्रेड कोई कोई एक सूचना है उसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना ये भी कम्युनिकेशन का पर्पज़ हो सकता है ठीक है इसी तरीके से जैसे अभी हमने बात की उसको उन बातों को भी हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर सकते हैं कम्युनिकेशन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन में भी आइदर ओरिएंटेड टूवर्ड्स सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिवस ठीक है हमारा कोई 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 सामाजिक पक्ष भी हो सकता है सामाजिक कोई कोई हो सकता है हम सोशल uh, मोबिलिटी लाना चाहते हैं एजुकेशन में हम बात करते हैं एजुकेशन इज मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी ठीक है एजुकेशन इज ए टूल फॉर सोशल चेंज तो ये सारी जो बातें हैं यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ठीक है उसका एक सोशल मोटिव होता है वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट करता है उसका एक साइकोलॉजिकल मोटिव है उसका एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट है जब अपनी बातों को हम कह देते हैं ये हर व्यक्ति के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं हर व्यक्ति की ये या हर आदमी का ये 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 निजी अनुभव है कि जब अपनी बातों को जब तक हम कहते नहीं हैं तब तक तनाव महसूस करते हैं ये सूचना तंत्र है ये सूचना तंत्र का युग है और मुझे लगता है कि लोग सुनने से ज्यादा कहने को गगरे हैं ठीक है तो ये हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है ठीक है अपने सोशल आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं अभी इस पर हम लोग अभी बात करेंगे कि कितना परसेंट इसका हम लोग आ, अपने सोशल आइडेंटिटी के लिए सोशल पर्पज़ के लिए कम्युनिकेट करते हैं कितना परसेंट जो है इस पर रिसर्चेज हैं आई वुड लाइक टू कोट हियर कि कितने कितना अपने लाइफ में जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें से हमारा अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कितना कम्युनिकेट करते हैं और सोशल सोशल कंपोनेंट उसमें जो कम्युनिकेशन का है वो कितना परसेंट है तो हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो पर्पजफुल है उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है इट कैन हैव सम साइकोलॉजिकल मोटिव्स इट कैन हैव सोशल मोटिव और इसलिए मैंने कहा कि जब अपनी बातों को जब तक हम कह नहीं देते तब तक बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं और जब अपनी बातों को हम कह लेते हैं या अपनी बातों को दूसरों तक व्यक्त जब हम कर लेते हैं तो हम बहुत रिलैक्सड हो जाते हैं सब सारे लोग शिक्षक हैं कभी ना कभी पढ़ाया होगा या निजी अनुभव सबके हैं प्रतिदिन ये हमारे साथ होता है हर क्षण हर घंटे ये अनुभव हम जीवन में लेते हैं अपनी बातों को कहने के बाद हम एक साइकोलॉजिकल या स्टेट ऑफ बीइंग में हम चले जाते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि दैट इज सेटिस्फैक्शन है ना हम हमारा जो पर्पस है कम्युनिकेशन का दैट कैन बी वॉन्ट्स दैट इज टू कन्वे थिंग्स दैट इज टू शेयर थिंग्स दैट इज टू कमेंट अपॉन बहुत सारे लोग हमारी मेरी बातों को सुन रहे हैं कुछ कुछ लिख रहे हैं सो वी कमेंट है ना वट एवर इट में भी कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है दैट इज डिफरेंट थिंग बट कम्युनिकेशन का जो पर्पस है दैट इज टू कमेंट अपॉन टू आस्क क्वेश्चन जैसा हमने क्लैरिफिकेशन के बारे में कहा था है ना टू कन्वे आवर नीड्स टू कन्वे आवर इमोशंस टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप एंड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप इस फेसबुक पेज के माध्यम से बहुत पुराने पुराने लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं वी आर वी हैव क्रिएटेड सोशल रिलेशनशिप वी आर मेंटेनिंग इट थ्रू दिस फेसबुक पेज सो सो मेनी थिंग्स हर देर एंड दैट्स वाई आई से दैट द करेक्ट द वेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन इज पर्पजफुल एंड दिस पर्पज वी कैन डिकॉड और डिस्क्राइब इन टू डिफरेंट वेज इसी तरीके से Uh, we do communication in order to command, we in order to give instruction. अपने छात्रों को बताते हैं, ऐसे लिखलो, इसको सौ शब्दों में लिखना है, इसको ऐसे व्याख्या करना है, इसको इस तरीके से बताना है। So these are all different kind of instructions that we give to our students. We command in 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 a social setup or in a organizational setup जो head है या group leader है या group के जो different members हैं, है ना? They give instruction and command to 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 each other, ठीक है? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अदर द ऑफ इंफ्लुएंसुनिकेशन में प्रभावित करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं टू ब्रिंग एन एटीट्यूडनल चेंजेस दूसरे के एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेट वी डू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस कैथरिसिस ठीक है इसलिए बहुत पुरानी कहानियां हैं जिसमें कि लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई बात अगर उनको पता चलती है तो वो बेचैन हो जाते हैं ठीक है और वो तब तक चैन नहीं उनको मिलता जब तक कि वो बात किसी से कह नहीं देते हैं। तो हम कम्युनिकेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल टूल है कैथेरिस का हम निर्जीव चीज़ों के सामने भी जाकर के चीज़ों को कह देते हैं है ना अपने फीलिंग्स को जो हमारे मन में जो जो या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो टर्बुलेंस होता है जो थॉट्स का जो जो स्ट्रगल होता है है ना ये जो स्ट्रेस सिचुएशन है उससे हमें कम्युनिकेशन निकालने में मदद करता है इसलिए जब हम चीजों को किसी दूसरे के साथ कह देते हैं चाहे वो निर्जीव हो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जाकर के या राजा जो है वो पेड़ों के साथ बातचीत कर लेता है वो अपनी बातों को पेड़ों तक तो पहुंचा देता है पेड़ सुनेंगे नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो जब वो अपनी बात कह लेता है तो शायद उसके पेट में साइकोलॉजिकल वजह से जो दर्द हो रहा था जो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट था ऐसी कहानियां हैं तो वो ठीक हो जाता है इसलिए वी डू कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू डू कैथाइसिस आल्सो और जब कैथायरिस होता है अपनी बातों को जब अपने मन से निकाल लेते हैं ठीक है हम वेंटिलेट आउट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हम कूल cool हो जाते हैं आप सब ने महसूस किया होगा कोई फ्रेंड्स हैं कोई सोशल रिलेशनशिप है कई बार हम बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं बहुत सारे मन में विचार ऐसे आते हैं दोनों तरफ से कुछ एक ऐसा हम कह सकते हैं कि रिश्तों में एक बर्फ जम जाती है ठीक है फिर हम फोन कॉल कर लेते हैं कभी हम बात कर लेते हैं दैट इज कथारेस और इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो पुनः पटरी पर आ जाती है सो दैट्स वाई वी डू कम्युनिकेट फॉर ऑल दिस पर्पसेस अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो हमने ये जितनी जितना पर्पस हमने डिस्कस किया तो इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि देयर आर समर्पसिस वी डू फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड वी डू फॉर सोशल कम्युनिकेशन या सोशल मोटिव्स हैं या उसमें हम क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं जितना अभी हमने जो पर्पस डिस्कस किया कि उसमें कुछ पर्सनल मोटिव हैं और कुछ सोशल मोटिव हैं इसपे जैनिक लाइट की एक थियोरी है एंड 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 सी से दैट वी कम्युनिकेट फॉर सोशल रीजन्स ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन हमारा जो सोशल जो कम्युनिकेशन है सोशल मोटिव है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में लाइफ लॉन्ग में पूरे लाइफ स्पैन में जितना भी बातें हम कहते हैं जितनी चीज हम कहते हैं चाहे वो हम पेपर लिख के करते हों चाहे हम स्पीच के फॉर्म में करते हों चाहे घर में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हों किसी से भी कुछ कम्युनिकेशन करते हों उन्होंने कहा सी इज प्रोफेसर एट हिंज फैमिली डॉट शेयर इन चिल्ड्रंस कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस ऑर्गेनाइजेशन पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस बहुत सारे राइटिंग्स हैं वन कैन गो थ्रू आप जाकर के पढ़ सकते हैं तो जेनिस लाइट ने एक थियोराइज किया है कि हमारा जो लाइफ लॉन्ग में जो हमारा कम्युनिकेशन है ये मोर देन फिफ्टी परसेंट जो इसके जो कारण हैं या जो मोटिव है दैट इज फॉर सोशल रीजन तो आइर हम अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने आप को इस्टैब्लिश करने के लिए ठीक है ये ये जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं ठीक है इसलिए सबने महसूस किया होगा कि हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद इन फैमिलीज फ्रेंड्स रिलेटिव्स सुपीरियर्स एंड समटाइम्स विद इन्फीरियर्स ठीक है ये सब इन सब लोगों के साथ हमने कम्युनिकेट करते हैं है ना एंड एंड द मोटिव्स बिहाइंड दिस इज सोशल कम्युनिकेशन ठीक है अपने आप को हम प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को हम इस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने आप की खुद की अपनी आइडेंटिटी हम इस्टैब्लिश करना चाहते हैं दैट्स वाई सी हैज थियराइज दैट फिफ्टी परसेंट जो हमारा कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग इंटायर लाइफ ड्यूरिंग इंटायर लाइफ स्पाइन सॉरी इंटायर लाइफ स्पैन दिस इज फॉर सोशल रीजन ठीक है इसी तरीके से अगर और हम कम्युनिकेशन की बात करें देन वी कैन थिंक ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल जैसे हमने कहा था कि कम्युनिकेशन हमारा बिहेवियर है कम्युनिकेशन एक तरह का रिस्पॉन्स है जो भी स्टिमुलस हमें मिलता है हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं कम्युनिकेशन इज इज पार्ट ऑफ दैट रिस्पॉन्स ऑल्सो इस पर बहुत अच्छा प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर का एक लेक्चर हुआ था जिन्होंने मैं लर्निंग के न्यूरोसाइकोलॉजिकल uh, uh, जो डायमेंसन्स हैं उस पर बात की थी इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल ऑल ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एनिमल्स है ना कम्युनिकेट इट्स इट्स अदर थिंग दैट समटाइम्स वी आर एबल टू बी कम्युनिकेटेड उनकी बातों को जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम डिकोड कर पाते हैं या हम समझ पाते हैं और कई बार हम नहीं समझ पाते हैं ठीक है शायद जैसी बोझ से पहले हम नहीं समझते थे, थे कि प्लांट भी कम्युनिकेट करते हैं ठीक है अब हमारे पास मैकेनिज्म है ठीक है जिससे कि हम बिना बोली हुई चीज़ों को भी शायद कुछ दिनों में हम पता लगा पाएं है ना सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल ये और बात है कि कम्युनिकेशन को कई बार हम अपने लिमिटेशन से जो ह्यूमन बींग्स के जो लिमिटेशन है उसे हम समझ नहीं पाते हैं ठीक है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है बट कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल एवरी स्टेट एवरी सेकेंड एवरी इमोशंस इसलिए आप देखिएगा कि दोज हु आर डिकोडर ऑफ कम्युनिकेशन दे कम्युनिकेट और दे डिकॉर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स वो सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिकेशन के का जो इफेक्टिवनेस है उसको नहीं देखते ठीक है इन इन साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट डिकोड दिस वेरी कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स कुछ कुछ आगे क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे है ना दे दे डिकोड कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ द कलर्स ठीक है कम्युनिकेटर ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है कौन से रंग उसकी पसंद का है किस सिचुएशन में किस सिटिंग पोजिशन में किस तरह के पोजिशन में वो बैठा हुआ है ऑल दीज आर डिफरेंट कोरिलेट्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इसलिए हमारी ये एज ए इंडिविजुअल हमारी ये लिमिटेशन हो सकती है कि हम कम्युनिकेशन को कितना डिकोड करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू कम्युनिकेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनल एज वेल एज यू कैन से सोशल इशूज एंड एंड देर आर पीपल who who try to decode it from different means ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है दैट इज यूनिवर्सल एंड कम्युनिकेशन अकर्स एवरीवेयर विथ ऑल क्रिएचर्स सिचुएशंस सीनरी सेटिंग्स ठीक है अभी अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे मैं कोर्ट में बैठा हूँ ठीक है हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि अभी बाहर हल्की ठंड है लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है इस समय जब जब धूप निकलती है सुबह में शाम में कभी भी आप जाकर के पहाड़ों को देखिए वो पहाड़ आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं हम लोग बादलों के बीच में ठीक है वो बादल हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं बट जब हम उन बादलों को देखते हैं जब उन पहाड़ों को देखते हैं जब उस पर किरणें आती हैं इसलिए अरुणाचल को कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन द स्टेट ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स ठीक है तो ये सब जो सीन्स हैं जो सीनियरी है जो सिचुएशंस हैं ठीक है बहुत कुछ हमें कम्युनिकेट करते हैं कुछ चीज़ों को जिसे हम समझ लेते हैं उसको हम हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और हम कहते हैं कि दीज माउंटेन्स आर कम्युनिकेटिंग सो मच ऑफ थिंग्स ठीक है इसी तरीके से डिफरेंट जो साउंड्स हैं नेचर में चाहे वो बर्ड्स की चर्पिंग हो चाहे आपके जो पेट एनिमल्स हैं या दूसरे इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें हैं नेचर में ठीक है सो दैट्स वाई हमने ऐसा बताया डिस्कस किया कि द कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल It, it is reality that we have limitations to decode that communication. And that's why we may say that, we may misinform, we may be in the state of misinform, misinformation that communication is not happening. But communication is everywhere, communication is at every time, and it is we who are not capable of decoding it. Is it that we other characteristics communication? Then communication is interactive. कम्युनिकेशन इज इंटरक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये पर्सन टू पर्सन दो लोगों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन जो है वो सेटिंग सिचुएशंस इमोशंस के आधार पे हो सकता है कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंडेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन सम मीडिया है ना देर आर सम फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन देर आर सम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी हम लोग uh, उसमें uh, बातचीत करेंगे देयर कैन बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन देयर देयर कैन बी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट देयर कैन बी सोशल कॉन्टेक्स्ट देयर कैन बी साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट देयर कैन बी टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट वी वी हैव इश्यूज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थोड़ा अगर हम बात करें इसमें तो कम्युनिकेशन होता कैसे है कम्युनिकेशन सेंस इट्स ए टू वे प्रोसेस सो वी डिकोड कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल कम्युनिकेशन साइकिल में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है सेंडर से जिस जो सूचना को प्रेषित करता है सूचना को दूसरों तक पहुंचाता है सो so, सेंडर के मन में जो उसका साइको इमोटो जो भी डिस्पोजिशन है उसको वो इनकोड करता है इन वो इनकोडिंग जो है यानी कि उसको एक एक, एक खास तरह के मैसेज में कन्वर्ट करता है और ये जो मैसेज में कन्वर्ट करने की जो 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 को जो प्रोसेस है है ना उसको हम लोग साइंटिफिक uh, टर्मिनोलॉजीज में हम लोग उसको इनकोडिंग बोलते हैं उसको एक कोड बना देता है दैट इनकोडिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स और और कैन से वर्बल मीन्स वो लिख सकता है उसको वो वो हाव भाव में उसको बदल सकता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसको इनकोड कर सकता है ठीक है वो बोल करके उसको इनकोड कर सकता है सो दिस इज कॉल्ड एज इनकोडिंग इनकोड करके वो मैसेज बनाता है और मैसेज को जब मैसेज वो तैयार हो जाता है जो भी मैसेज सेंडर को एक्सप्रेस करना है कन्वे करना है देन द सेंडर ट्रांसमिट दैट अपने लेवल पे सेंडर जो है उसको ट्रांसमिट कर देता है किसी खास मीडियम में मीडियम जो है वो क्या करता है मीडियम मैसेज को सेंडर से लेकर के रिसीवर तक जाने में उसको फैसिलिटेट करता है सो मीडियम इज द फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी मीडियम हो सकता है इट मे बी ऑडियो विजुअल मीडिया मीडियम इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स आते हैं एयर भी मीडियम हो सकता है अगर बोल की चीजों को कहा जा रहा है देन एयर इज द मीडियम जो कि मैसेज को सेंडर से लेकर के रिसीवर तक ले जाने में मदद करते हैं अब रिसीवर तक जब वो मैसेज चला जाता है देन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और प्रोसेस इज दैट हैपन एट द लेबल ऑफ रिसीवर रिसीवर फर्स्ट रिसीव द मैसेज जो वहां से ट्रांसमिट किया था सेंडर ने रिसीवर ने उसको रिसीव किया वो मैसेज को जब रिसीव किया उसने देन द रिसीवर डिकोड्स दैट मैसेज और अगर इनकोडिंग और डिकोडिंग ठीक हुई जैसा इनकोडिंग हुआ था ठीक उसी तरीके से अगर डिकोडिंग हुआ हम कह सकते हैं कि द मैसेज कन्वे द मैसेज वॉज कन्वेड या मैसेज जो है वो उसी रूप में पहुंचा जैसा कि सेंडर से वो चला था ठीक है लेकिन कई बार ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द मीडियम मैं आपसे बात कर रहा हूं इंटरने, इंटरनेट आ, के के वजह से मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में किसी तरह के प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो मैसेज है जो वॉइस है जो वॉइस की क्वालिटी है जो प्रोनाशिएशन है जो स्पीड है ये आप तक पहुंच भी सकता है कुछ लोगों तक एज इज एज शायद एज इट इज पहुंच रहा हो कुछ लोगों तक एज इट इज नहीं पहुंच रहा होगा कुछ लोगों को ब्रेक करके साउंड सुनाई दे रहा होगा कुछ लोगों को जो विजुअल्स हैं वो ब्रेक ब्रेक करके पहुंच रहा होगा सो so, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज लिमिटेशन ऑफ द मीडियम बिकॉज द कम्युनिकेशन वी आर एंगेज इन राइट नाउ दिस इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंटरनेट के थ्रू uh, जो वॉइस ओवर ये जो कम्युनिकेशन या फोन से जो कम्युनिकेशन होता है दिस इज अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन ठीक है ये हमने अल्टरनेटिव ढूंढा है कि व्हेन वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू डू दिस फेस टू फेस कम्युनिकेशन देन हाउ कैन वी कम्युनिकेट तो हमने एक तरीका ढूंढाया तो इसमें क्या हो सकता है कि मीडियम में कुछ जो जो इंफॉर्मेशन है उसका जो कंटेंट है वो वो कुछ लॉस हो सकता है कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है एंड दैट्स वाई जो जो सेंडर ने जिस जिस भावना के साथ जिस इमोशंस के साथ इनकोड किया था वो हो सकता है कि सेम एज इट इज डिकोड नहीं किया जाए अगर इनकोडिंग और डिकोडिंग बराबर हैं दोनों का एक्सटेंट बराबर है देन वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव जिस मंतव्य के साथ जिस भावना के साथ सेंडर ने मैसेज को इनकोड और ट्रांसमिट किया था अगर वो सेम मैसेज उसी भावना के साथ अगर डिकोड किया जाए रिसीव किया जाए रिसीवर के पास देन हम कह सकते हैं कि दिस इज कंप्लीट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन साइकिल मतलब इसका मतलब कि कंप्लीट हुआ है या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हुआ है और जब भी ऐसा होता है देन वी हैव ए टूल विथ हस है ना वी हैव ए टेक्निक विथ हस जिससे हम पता करते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव हुआ है कि नहीं जिसे हम लोग जानते हैं फीडबैक के फॉर्म में तो जब रिसीवर ठीक से उस मैसेज को डिकोड कर लेता है इन्फॉर्म्ड हो जाता है वो मैसेज अडॉप्ट कर लेता है तो कुछ वो फीडबैक देता है ठीक है जैसे आकाश जी ने कहा था कि चेहरे के माध्यम से कहा था ठीक है तो चेहरे को देख करके हम पता कर लेते हैं कि ये आदमी हमारे बात से कन्विंस है या नहीं है ठीक है ये 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 आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है ठीक है यह आदमी नाटक कर रहा है ये आदमी इसका जो बिहेवियर है दैट इज नॉट नेचुरल ठीक है इसलिए ये फीडबैक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस फीडबैक मे बी मे बी नेचुरल रिस्पॉन्स मे बी थ्रो बॉडी लैंग्वेज ठीक है मे बी इट मे बी आइदर थ्रो ओरल इट मे बी थ्रो रिटर्न और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन फीडबैक ठीक है किसी भी फॉर्म में अगर फीडबैक ठीक मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन साइकिल हमारा जो है वो पूरा हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ और क्वालिटी ऑफ फीडबैक वी कैन असर्ट इन दैट द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ठीक है मैं कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन स्किल पे बात नहीं करूंगा बहुत सारी चीजें उस पर कहने लायक हैं मैं ये दर्शकों पे छोड़ूंगा कि कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएं क्योंकि मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही कहा था कि कम्युनिकेशन इज अ नेचुरल ठीक है तो नेचुरल कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ठीक है जितना ज्यादा आर्टिफिशियलिटी लाएंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो कन्वे नहीं हो पाएगा अदर थिंग दैट वुड लाइक टू कन्वे ओवर हियर अभी हमने मीडियम में बात की थी कि मीडियम में या सेंडर के लेवल पे रिसीवर के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं है ना जिसको कि हम कह सकते हैं कि जिसके वजह से कम्युनिकेशन हमारा पर्पजफुल कई बार नहीं होता है ठीक है और उसको हम लोग बैरियर के फॉर्म में हम जानते हैं तो बहुत सारे इसमें बैरियर जैसे होता है लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज दो जो जो सेंडर हैं जो रिसीवर हैं उनके बीच में लैंग्वेज अगर कॉमन नहीं है ठीक है और मैसेज को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है उसको ठीक से बोला नहीं गया है मैसेज को ठीक से ड्राफ्ट नहीं किया गया है ठीक है तो ये जो कम्युनिकेशन है है ना ये 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 जो लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज और पुअर ऑर्गेनाइजेशन जो है इट बिकेम्स बैरियर इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग एक घंटा बोलने के बाद ठीक है और फिर वो ऐसा वो स्टेटमेंट करते हैं है ना एक घंटा बोलने या पूरी बात अपनी कहने के बाद फिर कहते हैं आई मीन टू से दैट ठीक है इसका मतलब है कि वो मैसेज ऑर्गेनाइज नहीं था और अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं था तो वो ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचा और अगर नहीं पहुंचा तो लोगों को देख करके वो जो कम्युनिकेटर है वो उसको फीडबैक मिला हो सकता है बताए हुए बताने के बाद या बिना बताए हुए कि लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं और इसलिए एक घंटे के लेक्चर के बाद भी शायद कई बार लोगों को कहना पड़ता है आई मीन टू से दैट ठीक है माई पॉइंट वाइज दैट तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से बैरियर्स को हम परसीव कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं वी कैन डिस्कस सीमेंटिक बैरियर्स ठीक है कई बार एक वर्ड जो है एक शब्द जो है उसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं ठीक है और वो जो मीनिंग है वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में उसका अलग अलग मीनिंग होता है तो इससे भी जो बात हम कह रहे हैं ठीक है वो सामने वाले तक नहीं पहुंचता है एंड इट बिकम्स ए बैरियर तो इसलिए हम लोग सिमेंटिक बैरियर कहते हैं इसी तरीके से पुअर लिसनिंग मैं किसी बात को ठीक से कह रहा हूं सुनने वाला जो है उसने ठीक से नहीं समझा तो पुअर लिसनिंग एक बैरियर है पुअर वोकेबलरी जैसे आज आजकल आप लोगों को देखा होगा लोग है ना कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज का यूज करते हैं बहुत चलता हो जिसको हम लोग कहते हैं है ना सब लोग किसी भी चीज में गुड सब लोग लोग भूल गए एवरी वन टॉक्स अबाउट नाइस हाउ इज द लेक्चर नाइस हाउ इज द डिनर नाइस हाउ इज मूवी? नाइस हाउ इज सिचुएशन? नाइस ठीक है तो इस तरीके से ये जो पुअर वोकेबलरी है जब हमारे पास वोकेब्लरी ठीक से नहीं होता है तो कंटेक्सट को हम ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हैं एंड दैट बिकम्स ए बैरियर ठीक है इसी तरीके से इन्वायरमेंट में अगर नॉइज है किसी भी तरह का नॉइज है अगर वो मैकेनिकल सेटिंग में प्रॉब्लम है सिचुएशन में है या मोर देन टू पीपल टॉकिंग एट अ टाइम एक साथ दो लोग अगर बोल रहे हैं तब भी इन्वायमेंट में अगर एक्स्ट्रा नॉइज है तो कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से कन्वे नहीं हो पाता है एंड दैट्स वाई नॉइज बिकम इन्वायॉर्मेंट बताने की जरूरत नहीं है अभी ये जो मीडिएटेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन है इसमें सब लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और एवरी टाइम एवरी एवरी फाइव मिनट्स वी सी द कमांड है ना फ्रॉम द होस्ट एवरी वन प्लीज म्यूट ऑन योर माइक्स ठीक है तो यह जो नॉइज फैक्टर है इससे क्या होता है कि स्पीकर की बात सभी लोगों तक जो ऑडियंस हैं जो या जो लिसनर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है ना दैट्स वाई ये जो नॉइज है दिस इज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन एनी वेयर यह नॉइज जो है दिस इज डिस्ट्रैक्टर और द बेरियर ऑफ कम्युनिकेशन इसी तरीके से टाइम भी जो है एक डिस्ट्रैक्टर है ठीक है अगर अर्ली मॉर्निंग किसी से आप लेक्चर करा लीजिए उतना इफेक्टिव लेक्चर नहीं होगा है ना तो इस तरीके से टाइम सिचुएशन बहुत सारी चीजें हैं दीज आर ऑल डिफरेंट बैरियर्स और ये सेम बैरियर्स जो है जैसा मैंने अभी बैरियर्स के फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूं इसी का पॉजिटिव साइड अगर दूसरा साइड आप पलट के अगर देखें देन ये सारे जो बैरियर्स हैं दे बिकम फैसिलिटेटर्स नॉइज अगर बैरियर है नॉइज को हटा देंगे लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज इफ इट इज ए बैरियर अगर हमने उसको कॉमन लैंग्वेज इंक्लूड कर लिया है डिस्कशन में जिस भाषा में आप समझते हैं मैं आपसे उस, आप उस भाषा में बात करूं देन द सेम थिंग बिकम फैसिलिटेटर इसलिए बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड इन इन सिंपल टर्मोलॉजीज दैट दीज आर दू साइड ऑफ ए सेम पॉइंट तो इसलिए मैं अलग से डिस्कस नहीं करने वाला कि व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स है ना ये बैरियर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हटा देंगे देन हमारा जो कम्युनिकेशन है दैट विल बी इफेक्टिव इसी तरीके से डिस्टेंस एवरी वन अस आर एक्सपीरियंसिंग दिस डिस्टेंस तो ये जो डिस्टेंस है दिस कॉज डिस्कनेक्ट इन द कम्युनिकेशन विच एवरी वन अस आर एक्सपीरियंसिंग एंड दैट इज ए बैरियर टू दिस कम्युनिकेशन सिमिलरली एटीच्यूड्स एंड वैल्यूज प्री ऑक्यूपेशन हम किसी के बारे में ऑलरेडी पहले ही जजमेंट हमने बना लिया हो ठीक है वी वी आर हैविंग प्रीजुड्यूस फॉर ए लैंग्वेज फॉर ए कल्चरल ग्रुप फॉर ए सिटी फॉर कलर्स है ना अभी आप लोग देख रहे हैं यूएस में क्या हो रहा है ठीक है सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर तो अगर हमारे मन में किसी भी चीज के लिए प्रीजुडिस है बायसनेस है है ना ऑलरेडी हमने बना लिया है कि ये चीज ठीक नहीं है ये धारणा हमने बना ली है ठीक है वी आर प्री ऑक्यूपाइड हमने पहले ही चीज इवेंट से पहले ही हमने जजमेंट कर लिया है कि ये आदमी बोल रहा है लेक्चर तो इफेक्टिव होगा या इन इफेक्टिव होगा सो ऑल दीज काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज दे बिकम बैरियर और मोस्ट ऑफ टाइम वी कैन से दैट दे आर बैरियर्स ठीक है अगर राइट right कंटेक्सट में इन एटीट्यूड और वैल्यूज को हम अगर देखें देन दे आर फैसिलिटेटर्स टू सिमिलरली दे आर इमोशनल बैरियर्स ठीक है, जबरदस्ती किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है एज ए टीचर एवरी नो दिस ठीक है? एंड एंड इवन दो टीचर्स एवरी टाइम ट्राई टू से है ना आर यू मी? यू हैव टू लिसन यू हैव टू डू दिस है ना सो so, किसी को हम जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते है ना सो मे बी ड्यू टू कम्युनिकेशन और वी कैन से दैट दिस इज अ इमोशनल बैरियर ठीक है अगर हम फैसिलिटेट करें लर्नर्स को ठीक है तो वो हमसे ठीक से कम्युनिकेट करेगा जबरदस्ती अगर हम करेंगे द लर्नर्स मे नॉट रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली ठीक है इसलिए इमोशनल बैरियर है मैं अगर uh, मेरा मूड ठीक नहीं है मुझे जबरदस्ती कोई काम करना अगर हो मे बी माई परफॉर्मेंस में भी डिमिनिस्ड ठीक है मैं ठीक से वो काम नहीं कर पाऊंगा इसी तरीके से सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ द थिंग एक ही चीज को लोग अलग अलग ढंग से चीजों को समझते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ऐसा होता है एंड दैट इज ऑल्सो दैट मे बी ए बैरियर मैं कुछ और मीनिंग आपको समझाना चाह रहा हूँ और लोग किसी और चीज को का समझ सकते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं है ना सो डिफरेंट प्रसप्शन और सब्जेक्टिव प्रसप्शन ऑफ ए थिम थिंग ऑल्सो लीड्स और ऑल्सो कंस्टिट्यूट वन ऑफ द बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इसी तरीके से रॉन्ग चैनल कोई बात हमने कही है वो ठीक से बोला है ठीक है वो लेकिन हमने रॉन्ग चैनल सेलेक्ट कर लिया ठीक है तो वो एक बैरियर का, का काम करेगा है ना पुअर रिटेंशन हमने ठीक से सुना है लेकिन हम अगर ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रखते हैं दैट बिकम्स ए बैरियर कई बार ऐसा लगता है कि यस लेक्चर तो बहुत बढ़िया था इनका लेकिन याद नहीं रहती इसी तरीके से बहुत सारे फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर फीडबैक भी हो सकता है ये सारी चीज़ें हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि टू मच इंफॉर्मेशन ठीक है तो जब टू मच इंफॉर्मेशन होता है किसी भी लेक्चर में किसी भी सेशन में तो लोग कहते हैं बात तो आपकी सही है कहा भी ठीक से है लेकिन याद रखना थोड़ा मुश्किल है इससे रिलेटेड बैरियर से रिलेटेड हम लोगों ने एक रिजर्टेशन किया था इन द ईयर टू इट वॉज कैरिड आउट बाय दिव्या राय ठीक है उन्होंने दिव्या राय ने चार बैरियर्स जो है वो उन्होंने स्टडी किया था आरजीयू के क्लासरूम यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी थी एम डिजर्टेशन था उनका and she went on studying physical internal linguistic and psychological barriers aur unka jo result hai wo chakane wala tha in both the ug and pg classrooms she found that physical distractions are most prominent 230 logon pe study kiya gaya tha aur isliye unhone dekha ki ye most prominent hai aur significant difference hai ठीक है तो हमारे क्लासरूम में बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोग एज ए टीचर हम ध्यान नहीं देते हैं बट दे आर वेरी मच डिटर्मिनेंट ऑफ आवर कम्युनिकेशन क्लासरूम में पंखे की हाइट ठीक है ये सब सारे टीचर्स हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों पर हम स्टूडेंट्स के कितने दूर या कितने पास खड़े हैं दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट आई दर दिस इज फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन और दिस इज डिस्ट्रैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन और दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्लासरूम में पंखे की हाइट अगर वो हाइट तीन फुट से ज्यादा नहीं है यानी कि पंखे और छत के बीच में तीन फीट का कम से कम डिफरेंस नहीं है या गैप नहीं है वो पंखा साउंड करेगा और जब साउंड करेगा आप तो कितना भी लच्छेदार कितना भी अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दें वो बात क्लासरूम में लास्ट बेंच पर जो लड़का बैठा है या जो जो लड़की बैठी है जो जो लर्नर बैठा है उस तक वो बात नहीं जाएगी ठीक है गिवन द सिचुएशन ऑफ इंडियन क्लासरूम्स जिसमें हम मान के चलते हैं कि कम से कम पचास बच्चे हमारे क्लास में बैठते हैं ठीक है तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसलिए हमने कहा कि वॉट आर द डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन दिव्या राय के स्टडी में इन्होंने ये भी पाया कि वी नेवर लुक इन टू डीज प्रॉब्लम्स ठीक है स्टूडेंट्स एंड टीचर टीचर एजुकेटर शुड थिंक इन टू इसलिए मैंने कहा कि ये ये सारे जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको आपसे डिस्कस किया ठीक है ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वी वी एज टीचर एजुकेटर शुड लुक इन बहुत सारे ऐसे इसमें बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के जो बहुत छोटे हैं ठीक है इसको इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास करके हम खत्म कर सकते हैं एंड वी कैन मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव ठीक है सो दैट्स वाई लेट्स मेक एंड ट्रीट आवर क्लासरूम्स एंड हेरिटेज बहुत छोटी छोटी जो चीजें मैंने आपको बताया कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं इन चीजों को को ठीक करके हम क्लासरूम को एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का प्लेस बना सकते हैं और ये जो स्टडी हमने किया दिस इज एन इनसाइट फॉर द स्कॉलर्स एंड टीचर एजुकेटर आल्सो है ना एंड

इट्स कम्युनिकेशन इज परसिव बाय डिफरेंट पीपल डिफरेंटली बट आई वुड लाइक टू कोट ओवर हियर द साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन तो उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम इम्प्लॉयड जो मीडियम हम इम्प्लॉय करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए उसके आधार पर अगर हम कम्युनिकेशन को देखें देन वी कैन कैटेगराइज कम्युनिकेशन इन थ्री मेजर कैटेगरीज वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड मिटा कग्निकेशन इसी तरीके से मेट मिट सॉरी मेटा कम्युनिकेशन इसी तरीके से इफ़ वी गो ऑन क्लासिफाइंग कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देन इट मे बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर खुद के साथ हम बातचीत कर रहे हैं खुद के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लोग समझते होंगे इसको जान रहे होंगे हमारे दर्शक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में जब बात होती है देन थर्ड इज ग्रुप कम्युनिकेशन जब दो या दो से अधिक लोगों की बात होती है और जब ज्यादा लोगों की बात होती है आपस में जैसे थ्रो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया तो इसको तो हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें देन कम्युनिकेशन कैन बी आदर फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों के बीच में परिवार के सदस्यों के बीच में जो बातचीत है दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बातचीत होती है ठीक है कोई स्कूल सेटिंग हो या यूनिवर्सिटी सिस्टम हो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं या कोई भी एक ऐसा ऑफिस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें लोग काम करते हैं वो आपस में दूसरे से बात करते हैं स्पेशली वर्किंग आवर्स या राइट रिटिन रिटर्न में जब बात करते हैं देन दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जा सकता है या ऊपर से नीचे आ सकता है है ना बॉस से या जो सुपीरियर है उससे इनफीरियर को आ सकता है इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन को फर्दर डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कई बार बराबर के लोगों में बातचीत होती है देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और समटाइम्स इट में भी डायगोनल कम्युनिकेशन अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देन वी कैन फर्स्टली वी कैन डिस्कस वर्बल और द ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन या जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं वे आर स्पोकन वर्ड्स आर यूज ठीक है वर्ड्स को लिख करके भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स को बोल करके भी हम एक्सप्रेस करते हैं सो इफ वी आर यूजिंग कैन से वर्ड्स इन एक्सप्रेसिव फॉर्म और यू कैन से देन इन ओरल फॉर्म है ना स्पोकन वर्ड्स तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन टाइप है दिस इज कॉल्ड वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन है ना इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन इट इंक्लूड्स कन्वर्सेशन यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन वी कैन से एंड स्पीचेज और रेडियो और टेलीफोन है ना और सिमिलरली अगर हम इसको लिख करके अगर व्यक्त कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं इफ यू आर यूजिंग दिस रिटन मीडिया रिटन एज मीडिया है ना देन दिस में भी इधर थ्रू सिम्बल्स और थ्रू यूज ऑफ रिटर्न वर्ड्स और और थ्रो डिफरेंट साइंस है ना साइन का यूज करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं फिर अगर फर्स्ट में हम डिस्कस करें व्हाट आर द यूजेस ऑफ और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस ओरल कम्युनिकेशन देन वी कैन थिंक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंटरव्यूज मीटिंग्स लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस सिंपोजियम वेबिनार्स रेडियो टॉक टी टॉक्स सिनेमा शोज डिफरेंट काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स ठीक है ये सब के सब जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है और नॉर्मली है ना बिफोर दिस कोविड है ना ये हम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और अभी इस फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सारे टीचर्स ऑल विल एग्री विथ मी दैट एज टीचर्स वी ऑल आर मिसिंग दिस द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दो वी आर इन ए पोजिशन टू डू फेस टू फेस कम्युनिकेशन बट ऑनली विथ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल द सिचुएशन ऑफ दिस लॉकडाउन जिससे आप मिल, मिलते हैं उसके साथ दोस्तों के साथ दो चार लोग जो uh, मिल जाते होंगे उनके साथ आप बात करते हैं बट स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो वो डिस्टर्ब हो गया है ना देर आर समेजेस डिसएडवाटेजेज ऑल्सो इफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज देअर देन वी शुड एग्री दैट ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिस इज नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और इट हेल्प्स पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज फीलिंग्स मच बेटर और फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है हम सब लोग जानते हैं कि दिस इज आई आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री विद दिस दैट दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ आफ्टर डूइंग कम्युनिकेशन थ्रू दिस दिस मोड फेस टू फेस मोड वी फील फ्री ऑफ एंग्जाइटी एंड वी फील रिलैक्सड एंड सेटिस्फाइड हमें लगता है कि हमने वाकई में बातचीत की है क्योंकि ये सारा एजुकेशन अगर हम लोग देखें अगर है ना जो बेसिक जो क्वेश्चन हमारे एजुकेशन के एजुकेशन इज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन इज एजुकेशन इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द ह्यूमन माइंड्स एजुकेशन इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द ह्यूमन और ऑर कैन से बिहेविंग विद द ह्यूमन्स ठीक है कम्युनिकेटिंग विद द ह्यूमन्स है ना सो दैट्स वाई फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज आई थिंक बेस्ट वे

है ना उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से उनके लेवल ऑफ एग्रीमेंट से उनके लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट से वी गेट टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं बहुत सारे जब लेंदी मैसेज होता है बहुत टेक्निकल कोई बात अगर हो उसको फेस टू फेस में हर समय करना है ना ये पॉसिबल नहीं होता है सिमिलरली इफ वी डिस्कस द रिटर्न कम्युनिकेशन देन वी कैन डिस्कस और टेक वेरियस फॉर्म्स लाइक Uh, different kind of reports, official circular, magazines, manuals, memoranda, uh, newspapers, pictures, diagrams, graphs, order, notice board. these are various forms of uh, written communication. or uh, as i discussed that uh, it also has some advantages as well as disadvantages. advantages in the form that uh, we can communicate in an uniform manner. or the communication विल बी वी कैन से और द थिंग्स विच आर कम्युनिकेटेड कैन बी केप्टज़ रिकॉर्ड उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे वो रिपोर्ट हो बुक हो सर्कुलर हो उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं फेस टू फेस में बोली हुई चीज़ों को कई बार ज़्यादातर बार एक्चुअली रिकॉर्ड रखना उसको मुश्किल होता है कि चीज़ों को सुनते हैं हम तो जल्दी भूल भी जाते हैं उसका रिटेंशन भी थोड़ा मुश्किल होता है एंड दैट्स वाई रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ हैविंग सम एडवांटेजेज ओवर दिस फेस टू फेस कम्युनिकेशन

दैट इट में भी टाइम कंज्यूमिंग इट में भी रिजिड सारी बातों को इतना फ्लेक्सीबिलिटी जितना हमारे फेस टू फेस में होता है उतना सारा पूरा फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन में हम uh, uh, um, नहीं एन्जॉय करते हैं ना बिकॉज ये रिटर्न uh, जो कम्युनिकेशन है दिस इज बेसिकली रिजिड और वी कैन से दैट इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट राइटिंग की हमने एक तरीका हमने बनाया है और उस उस वर्ड्स में वो वर्ड्स लिमिट है उसमें उसका सेंटेंस है उसका लैंग्वेज है बहुत सारी चीज़ें हैं है ना दैट्स वाई ये जो कम्युनिकेशन है है ना वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और उसमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं इसलिए सारी बातों को रिटर्न कम्युनिकेशन में डालना इट्स वेरी डिफिकल्ट थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस और थर्ड टाइप ऑफ दिस कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एम्प्लॉयड इज नॉन वर्बल है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है दिस वी डू विद द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग काइनेसिक्स uh, kin भी हम लोग समझ कहते हैं और वी वी नो इट एज हैप्टिक्स टच लैंग्वेज चीज़ों को टच करके हम कम्युनिकेट करते हैं मेसेज को ग्रास्प uh, uh, करते हैं और और वी यूज़ दिस नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू यूज़ ऑफ स्पेस जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में हम लोग प्रोगिक्स भी कहते हैं या हम लोग चीज़ों को मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिसको हम लोग क्रोनमिक्स क्रोनमिक्स भी हम लोग कहते हैं विथ रिलेटेड टू टाइम एंड देर इज़ यूज वी डू कम्युनिकेट विद द यूज़ ऑफ साइलेंस एंड वी ऑल्सो डू कम्युनिकेट विद द यूज़ ऑफ पारा लैंग्वेज अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको एंड विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है ना जो सिंबल्स हैं जो साइन हैं जो इमोजीज़ हैं जिसके थ्रू आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं दीज आर ऑल कम दीज ऑल कमिंग टू दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली अदर देन ओरल और रिटेन वी डू इट विद हेल्प ऑफ जैसा हमने बताया टाइम या हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं टच है है ना इससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एंड देर इज़ अ थियरी ऑफ सेवन परसेंट थियरी वॉज प्रपोज बाई अल्बर्ट मेहराबिन इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी वन एंड इन हिज बुक साइलेंट मसेजेस है ना एंड वेयर वेयर बाई ही टॉक्ड अबाउट दैट हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं डे टू डे लाइफ में उसमें सेवन परसेंट जो हमारा जो कम्युनिकेशन के जो इनपुट्स हैं वो वर्बल होता है ओनली सेवन परसेंट ठीक है और ये ये जो सेवन परसेंट वर्बल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच वी स्पोक थर्टी एट परसेंट जो हमारा कम्युनिकेशन uh, है ठीक है दैट इज हाउ डिज वर्ड साउंड जिसको अभी हमने पारा लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग अभी एक वर्ड मैंने यूज किया था पारा लैंग्वेज ठीक है यानी कि वो वर्ड्स या जो कंटेंट है जिसको हमने बोला है सेवन परसेंट थर्टी एट परसेंट हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस फॉर्म में होता है कि हाउ डिज वर्ड साउंड ये जो शब्द कहा गया है वो कैसे कहा गया ये सुनाई कैसे देता है और 55 परसेंट जो हमारा कम्युनिकेशन होता है डे टू डे लाइफ बेसिस में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक व्हेन यू से जब आप उन चीजों को जब आप कह रहे थे जिस समय आप कैसे दिखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कैसा था आपका वे ऑफ टॉक कैसा था अगर हम इसको क्लब करके हम लोग देखें देन आउट ऑफ दिस टोटल हंड्रेड परसेंट वी गेट अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेवन परसेंट प्लस नाइन्टी थ्री परसेंट एंड एज पर द प्रोपजिशन ऑफ एल्बर्ट मेरा बिन ही से दैट और कि हमारा ओनली सेवन परसेंट जो है कम्युनिकेशन का सिर्फ सेवन परसेंट जो है वो हमारा कंटेंट डिसाइड करता है और बाकी नाइन्टी थ्री परसेंट जो है हमारा जो पारा लैंग्वेज है दैट डिटर्मिन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन और इसलिए इसको हम लोग सेवन परसेंट रूल के भी नाम से हम लोग जानते हैं but counter to this in the year 2011 philip waffe he challenged the theory of this seven percent and he said that no this cannot happen we can't accept the seven percent rule because there are different things like facts fiction or misunderstanding the seven percent rule facts fiction and misunderstanding and he said that, सेवन परसेंट रूल बेसिकली इज परनीसियस मिथ एंड ही रिजेक्टेड इट है ना एंड ही से दैट मिथ राइजेज फ्रॉम द ग्रॉस इन मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर उसके कंट्ररी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए एंड ही डिसप्रूव इट एंड एंड एज ए समेन ऑफ दिस वी कैन से दैट बोथ दीज थिंग्स है ना दोनों की अगर हम, हम बात करें ठीक है तो कम्युनिकेशन में जो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेंटल एंड इमोशनल जो हेल्थ है नीड्स है एस्पिरेशन है कल्चर इंटेंशन है दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू द प्रोपोजिशन ऑफ फिलिप याफे ठीक है कि ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट इट इट विल बी जस्ट ब्लाइंड टू बिलीव अपॉन दिस सेवन परसेंट रूल एंड हियर आई वुड लाइक टू इम्फिसाइज दैट ये जो थियरी हमने अभी हमने जो बात की जो कंट्राडिक्शन भी हमने इसका बात किया सो दिस इज अ वेरी गुड रिसर्च एरिया फॉर द टीचर एजुकेटर्स एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर्स दे कैन फर्दर डू रिसर्च एंड एंड दे कैन फाइंड आउट है न कि वाट आर द थिंग्स और किस तरीके से हम uh, इसको आगे बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से अभी हमने बात की थी काइनेस्टिक्स काइनेस्टिक्स इज द कम्युनिकेशन Uh, through which, uh, in which we communicate through facial expressions, postures, body movements, gestures, eye contacts, and haptics—that means touch—and thereafter, uh, there is another type of communication, which we call proxemics. Hereby, we communicate while keeping a distance or a space. So, space is very important in communication. And there is a very famous theory of Edward T. Hall's, 2009 whereby he he described uh, the kind of uh, communication on the basis of the physical distances and he quotes and he, he, he described uh, the communication into um, on, on the basis of this space into four categories intimate space personal space social space and public space and according to Edward T Halls if द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल दैट मीन्स द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटिंग इफ दिस इज अप टू वन पॉइंट फाइव अगर दो लोग आपस में साथ बैठ करके अगर डेढ़ फीट की मैक्सिमम uh, दूरी उनकी डेढ़ फीट है उन्होंने कहा कि ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज फॉर इंटीमेट पीपल ठीक है इसको इंटीमेट कम्युनिकेशन कहते हैं इसी तरीके से अप टू फोर फीट और वन पॉइंट टू मीटर मीटर ये ये जो डिस्टेंस uh, है जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल स्पेस इसी तरीके से अप टू ट्वेल्व फीट और थ्री पॉइंट फाइव मीटर ये जो स्पेस है ये डिस्क्राइब्ड एज सोशल स्पेस और उसके बाद का जो स्पेस है दैट इज बियॉन्ड ट्वेंटी फाइव फीट ये जो स्पेस है दिस इज पब्लिक स्पेस तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो स्पेस के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन है है ना एंड वी वी डू प्रैक्टिस इट आइदर अनो और इसलिए ये कई बार हम इस थियरी को नहीं भी जानते हैं बट वी डू प्रैक्टिस दिस एंड एवरी वन इज वेरी मच केयरफुल ऑफ द इंक्रोचमेंट ऑफ आवर इंटीमेट एंड पर्सनल स्पेस ठीक है एक छोटा बच्चा भी जो कि शायद एडवर्ड टी हॉल्स की थियरी उसने नहीं पढ़ी हो लेकिन जैसे ही उसका पर्सनल स्पेस अगर किसी दूसरे के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है इंक्रोच किया जाता है उसका जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है ठीक है सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर काइनेसिक्स और जो साइन सिंबल है इसको हम लोग मिला दें देन वी वी कलेक्टिवली वी गेट ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं ठीक है दे आर Uh, as we discussed there are communication through use of symbols and signs there are different jaise ju ke liye symbol hota hai emojis aaj hum log use kar rahe hain exit ke liye ek symbol specifically hai first aid ka red cross ka jahan bhi hum log dekhte hain we understand uh, if there is a you can say place of no smoking, then देन उसमें सिग जलती हुई सिगरेट के ऊपर एक लाल रंग का एक निशान होता है हम लोग सब लोग समझते हैं डेंजर का जो साइन है दैट एवरी वन ऑफ यू फाइव का जो जो साइन है इसी तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो सिंबल है साइन है हम लोग समझते हैं हाई वोल्टेज है इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट के सिंबल्स हैं सो दीज आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन टाइप विद द यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड साइन इसी तरीके से अगर एजुकेशनल टर्म्स में हम बात करें देन वी यूज़ डिफरेंट मैप सिंबल्स वी यूज़ पोस्टर्स वी यूज स्लाइड्स वी यूज चार्ट्स वी यूज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स और ग्राफ्स वी यूज़ डायग्राम्स वी यूज़ प्रिंटेड पिक्चर्स वी यूज़ बुक पेजेज़ वी यूज़ स्क्रीन्स है ना मोबाइल कंप्यूटर के जो स्क्रीन्स हैं है ना वी यूज़ ब्लिस बोर्ड जिनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ब्लिस बोर्ड एक चार्ट है उसको यूज़ करते हैं सब लोग सोशल मीडिया में इमोजीज़ का यूज़ करते हैं कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें सम पीपल आर थैंकिंग सम आर इंकरेजिंग सो दीज आर डिफरेंट इमोजीज साइन और उसके बाद जैसा हमने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन टूल और द टाइप इज साइलेंस साइलेंस इट्स सेल्फ स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स और जब सारा कम्युनिकेशन हमारा जब फेल हो जाता है देन वी कीप साइलेंट ठीक है तो इस तरीके से साइलेंस जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टाइप एंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन साइलेंस कैन हैव पॉजिटिव इंपैक्ट और साइलेंस मे हैवे निगेटिव इंपैक्ट टू आई वुड लाइक टू जस्ट लीव इट नाउ है ना बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज पारा लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम सेवन परसेंट थियरी जो है उसको भी हम साथ में अगर रखें देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पारा लैंग्वेज इंक्रीजेस है ना द टोन ऑफ आवर वॉइस द पिच ऑफ आवर वॉइस The rhythm uh, and the timbre, the quality of the sound, you know, which is independent of pitch and volume, uh, the loudness level, the inflections or, or the change in the pitch in it uh, in the tone of voice. All these are the uh, different determinants of the spoken language, and that's why para para language is a very important tool. Para language uh, language you इट कैन ऑल्सो बी एन एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट फॉर द स्कॉलर्स एंड टीचर एजुकेटर्स इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अभी हमने बात की थी जिसको हम लोग क्रोनमिक्स uh, uh, कहते हैं ना स्टडी ऑफ ह्यूमन टेम्पो या स्पीड ठीक सो हियर हाउ मच टाइम वी आर डिवोटिंग टू द कम्युनिकेशन हाउ वेदर वी आर हाउ हाउ मच यू कैन से परसिस्टेंट्स वी आर इन इन द कम्युनिकेशन कई बार आप लोग देखते होंगे कि कम्युनिकेटर बहुत हड़बड़ी में होता है सुनने वाला भी बहुत हड़बड़ी में होता है सो दीज आर ऑल स्टडीड अंडर दिस टाइप क्रोनमिक्स ओके सो देर इज अ थियरी बाई जे ब्रुन्यू प्रोफेसर एट रेड रेड फॉर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया एंड इस से दैट यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना यूज ऑफ टाइम इज़ इट्स एट कल्चरल कोरिलेट रिलेट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हमारा फैमिली में कैसी परवरिश हुई है किस तरह के लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट में हम रहे हैं सो ऑल दिज इन्फ्लुएंस यूज ऑफ टाइम इन इन द कम्युनिकेशन एंड इट इंक्लूड्स पंक्चुअलिटी इट इंक्लूड्स विलिंगनेस टू वेट एंड 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 द इंटरेक्शन ऑल्सो इंटरेक्शन कई बार आपने देखा होगा कि जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्यग्र हो जाते हैं वो वो टाइम नहीं देते हैं तो ऑल दिज थिंग्स आर स्टडी इन दिस इसी तरीके से अफेक्ट्स लाइक स्पीड ऑफ द स्पीच मूवमेंट्स लाइफ स्टाइल हाउ लॉन्ग पीपल आर विलिंग टू लिसन ये बहुत सारी चीजें हैं विच वी स्टडी अंडर दिस इक्रॉनमिक्स एंड आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस फर्दर द इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड देन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग एज पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मिटा कम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन इज हाउ ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज परसीव्ड जो भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं वो कैसे समझा जाता है जैसे uh, एक uh, एस, हम ऐसा समझ सकते हैं कि डेटा uh, के बारे में जो डेटा होता है उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं ठीक है चीज़ें कैसे लिखी गई हैं कितना मार्जिन है किस तरीके से उसको लिखा गया है हाउपेजिनेशन इज डन हाउ पैराग्राफ इज डिवाइडेड और हाउ द कंटेंट इज डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ इसी तरीके से हमारे कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे मिटा कम्युनिकेशन होते हैं जैसे दो लाइन को यूज़ करके ठीक है एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि लाइंस को यूज़ करके ये ये जो कम्युनिकेशन तुमने जो रिपोर्ट लिखी है इसको ऑर्गेनाइज़ करो ठीक है एक बच्चे ने उन लाइंस को यूज़ करके पेज में चारों तरफ बॉर्डर बना दिया और एक बच्चे ने उन्हीं लाइंस को यूज़ करके पेज में ऐसे क्रॉस बना दिया इस तरीके से क्रॉस जिसको हम लोग काटना या रॉन्ग समझते हैं ठीक है अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सा मेटा कॉग्निशन मेटा कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है डेफिनेटली विल से दैट फर्स्ट वन है ना तो इसी तरीके से मेटा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप लोग जानते हैं इनकंप्लीट कम्युनिकेशन र्यूमर्स है rumors, ना स्प्रेड फेक न्यूज का जमाना है ना स्प्रेड इजली इन ऑल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन वी टॉक ऑफ और फॉर्मल कम्युनिकेशन वी टॉक ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन वी टॉक ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन वेन द कम्युनिकेशन समर सर्कुलर केम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लास्ट लेवल तक जो इंप्लाई उसके पास आता है दैन दिस इज वर्टिकल कोई नीचे से अप्लीकेशन अगर लिख करके ऊपर देता है दिस इज अपर्ड कम्युनिकेशन सो दिज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन Uh, एक और कम्युनिकेशन जो है जिसको uh, समझना आज के डेट में जरूरी है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड एज नॉन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई बात कानों कान फैल जाती है ठीक है जंगल में आग की तरह फैल जाती है जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो सिचुएशन हमारा कोविड है बहुत सारे फेक न्यूज़ इसके पहले भी बहुत सारे न्यूज जो है आज के डेट में है ना सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ फॉर एज ए इंडिविजुअल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आता है वी आर नेचुरली वी आर स्ट्रक्चर्ड वी आर नेचुरली क्रिएटेड टू रिस्पॉन्ड टू ठीक है तो इसलिए फेक न्यूज या फेक इंफॉर्मेशन का ये जो जमाना है जिसमें कुछ भी कह दिया जा रहा है कुछ भी लिख दिया जा रहा है किसी का भी क्लेम लेकर के बातें आप तक पहुंच जाती हैं स्पेशली थ्रू थैंक्स टू सोशल मीडिया आई थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप एंड एंड डिफरेंट क्लेम्स आर देयर फेक क्लेम्स आर देयर इन द नेम ऑफ एम्स इन द नेम ऑफ नासा वेल यू कैन से इस्टैब्लिस्ड ऑर्गेनाइजेशन वेल इस्टैब्लिस्ड पीपल सो एवरी वन ऑफ अस एज ए सिटीजन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट एज टीचर एजुकेटर्स एवरी वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉमेशन दैट इज़ रीचिंग टू एस एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस सो ये ग्रेप वाइन जो इंफॉमेशन है या ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है बहुत खतरनाक है आज के डेट में जिसको हम लोग कहते हैं कानों कान बातों का पहुंच जाना या जंगल में आग की तरफ फैलना ठीक है डेली इस तरीके से आप देखते हैं सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से आ, हम लोग मिस परसीव हुए थे कि आ, दो हजार के नोट में जो है वो ऐसा चिप लगा हुआ है जो कि हंड्रेड मीटर नीचे तक भी जमीन में अगर हम छुपा करके उस नोट को रखें तो उस मशीन उसे ढूंढ लेगा सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन साथ देगा ना सो एवरी शुड बी अवेयर ऑफ दिस ग्रेप कम्युनिकेशन नाउ आई वुड लाइक टू स्विच ओवर टू

वी नीड वी 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 गो फॉर कम्युनिकेशन विन स्टूडेंट्स सिक्स फॉर क्लैरिटी अपने क्लैरिटी के लिए भी हम अपने सुपीरियर हैं अपने जो सीनियर्स हैं अपने कलीग्स हैं अपने जो पेयर ग्रुप हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं फॉर क्लैरिटी ऑफ थाट्स फॉर क्लैरिटी ऑफ आइडियाज फॉर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ तो इस तरीके से हम टीचर एजुकेटर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं दैट्स वाई एवरी एवरी टीचर एजुकेटर शुड हैव दिस काइंड ऑफ Uh, communication skills. It's not that uh, a teacher, when we become teacher educators, so we uh, we knew everything. We are in a position that we are master of the things. We we have uh, got mastery over the information. So we need to collaborate in this way. We need to engage in constant communication with uh, different type of people around us. Uh, we we communicate caring also. वी कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स हायर एजुकेशन में इसकी इतनी जरूरत नहीं है बट एज टीचर्स वी डू कम्युनिकेट वी वी आर सपोज टू कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स ऑल्सो इसी तरीके से अपने कलीग्स के साथ अपने सुपरवाइजर के साथ है ना वी 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 रिमेन इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन सो दैट्स वाई वी नीड टू वी टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन

take care of communication or uh, we should have uh, uh, metacognition of the com communication skills that we have, that we possess, which is uh, very much uh, essential component of our very personality. This uh, way we, we, we communicate for our careers, you know, like public speakers, like uh, social connect identity in order to establish our identity, in order to make our identity. वी 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 नीड टू कम्युनिकेट एज टीचर एजुकेटर वी आदर इन ऑर्डर टू मेक नेटवर्क सोशल नेटवर्क और एजुकेशनल नेटवर्क और पियर ग्रूप नेटवर्क वी नीड टू कम्युनिकेट वी नीड टू कम्युनिकेट फॉर मेकिंग कॉलेब्रेशंस जैसा हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने सीनियर्स के साथ अपने टीचर्स के साथ ठीक है या जो मुझे लगता है कि वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है वी वी कोलेबरेट वी राइट टू देम वी रिसीव मैसेज वी कम्युनिकेट थ्रो फोन कॉल्स और जैसा भी जब लगता है कब मैं पर्सनल लाइफ में सजेशनस के लिए हम कॉल करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेब्रेशंस वी नीड फॉर आवर सस्टेनेंस एंड एंड दैट फॉर दैट वी नीड टू नो हाउ वी कैन कम्युनिकेट बेटर इसी तरीके से फॉर एकेडमिक राइटिंग वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑल्सो कई बार चीज़ों को हम ठीक से लिखते हैं या एकेडमिक राइटिंग में भी है ना किस तरीके से पेपर्स को हम कम्युनिकेट करते हैं उसका जो कवर लेटर है वो बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि हमारा पेपर जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा सो डिफरेंट पर्पजेज आर देयर एंड वी एज टीचर एजुकेटर्स ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग ड्राफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स ई कंटेंट डेवलपमेंट आज के नए नए फील्ड आ रहे हैं कि ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आल्सो है ना वी नीड टू डू बेटर कम्युनिकेशन वीडियो बनाना है ऑडियो है पॉडकास्टिंग है ऑल दिस थिंग्स आर देयर मास मीडिया राइटिंग है मास मीडिया प्रेजेंटेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वी यूज टू होस्ट तो उसके लिए भी किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं दिज आर ऑल एक्चुअली वेरी मच इसल एट दिस टाइम्स एट दिस टाइम And if we discuss the determinants of uh, the communication of uh, the teacher educators. So there are different issues. We some of the issues we have already discussed but at the same time, there are other issues which determine the dynamics of the communication of teacher educators and we can discuss some of in, in terms of some of the basic questions of education. Like we are online about online education. Pe sab log baat kar rahe. But at the same time, वी शुड लुक इन टू है ना वी शुड नॉट इग्नोर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन आई आई डिस्कस्ड सो दिस शुड बी वेरी मच एट द सेम टाइम वेन वी आर डिस्कसिंग दिस ऑनलाइन वी आर कम्य कम्युनिकेटिंग थ्रू ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन टू बी एस्टेब्लिश दार्ट ऑफ एजुकेशन वी शुड नॉट फॉर गेट द स्ट्रगल ऑफ डेटा वर्सेज द आटा बहुत अच्छा अभी तीन चार दिन पहले एक व्हाट्सएप पर एक मीम आया था डिफरेंट सोशल मीडिया में सब लोग आप लोग सहमत होंगे इससे Uh, given the situation of our country and, and the kind of uh, social system or social hierarchy that we have on different basis, okay, so that the conflict or or you can say the debate of this data versus data. So, these basic questions in education, okay, in the age of this online learning, in the age of this webinar, we should not forget, and all these basic questions should be part of the very communication that we as teacher educators are engaged in. इसी तरीके से सोशियो इमोशनल जो डिफरेंसेज है अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की विद फेस टू फेस और डिफरेंट अदर जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन जिसकी हमने बात की साइंस एंड सिंबल्स एंड एवरीथिंग ओके बट डिस्पाइट डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स वी 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 शुड नेवर फॉग दैट देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस फेस टू फेस लर्निंग देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस फेस टू फेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन और फेस टू फेस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ओके सो दैट्स वाई

कम्युनिकेट ऑन दिस इशूज ठीक है एंड वी ऑल नो दैट वी हिस्टोरिकली वी कैन से हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं एज पर द सोशल वैल्यूज है ना और और वी कैन से दैट वी नो दैट है ना वी 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 आर पार्ट ऑफ ए सोसाइटी वे आर द काइंड ऑफ बिलीव वी वी आर हैविंग और वी आर हैविंग ना, God, है ना द वर्ड्स ऑफ ए टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्ड्स ऑफ गॉड और द वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स इवन इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स की तरफ देखते हैं हम टीचर्स हैं और इसलिए ये जो बेसिक क्वेश्चन जिसकी हमने बात की दैट फॉर्म्स द डायनेमिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स है ना हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे टीचर्स के वर्ड्स को ज्यादा ध्यान दिया जाता है ज्यादा वैल्यू दी जाती है उसके पेरेंट्स के वर्ड्स से उसके पेरेंट्स के बातों से और सब लोग हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े ठीक है ये 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 जो चौपाई है ये, ये सॉरी ये जो ये जो कथन है ठीक है ये जो दोहा है ठीक है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ ये यानी कि जो जो टीचर का जो वैल्यू है वी लिव इन ए सोसाइटी वे आर टीचर्स आर रिवर्ड हिस्टोरिकली टीचर्स बीन गिवेन सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस ओके एंड एज आई से दैट कम्युनिकेशन इज सिचुएशनल

Our communication, and that's why the, it is responsibility of the teachers and teacher educators to refrain from fake news, fake messages, and different kind of propaganda issues. Because we know that abhi communication structured, unstructured, in grape grapevine communication, fake news communication. This is most virulent, this is most potential. और इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि एक सेकंड में ये सारे कम्युनिकेशन को जो आप हम 20 सालों में पढ़ते हैं एक फेक न्यूज में इतनी पोटेंशियल है कि वो सारे चीजों को भुला करके वो फेक न्यूज़ अपने आप में बिलीव करने में हमें इन्फ्लुएंस कर लेता है एंड दैट्स वाई इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स एंड द टीचर एजुकेटर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा इश्यूज एंड इवन द स्लोगन सब कुछ सिर्फ स्लोगन में कहने से काम नहीं चलता है इसलिए वी शुड एक्ट अपॉन दीज थिंग्स एंड दीज आर सम ऑफ द कम्युनिकेशन डायनेमिक्स फॉर द टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स दैट आई गॉट ए चांस टू शेयर विथ यू थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को और विशेष धन्यवाद डॉक्टर समू सिंह को जिन्होंने एक पेज बनाया और हम सबको इस माध्यम से एक साथ जुड़ने का मौका दिया एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव हमसे जुड़ने के लिए आप जरूर अपने फीडबैक जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं कि मैं कितना कम्युनिकेट कर पाया आपसे और मेरी क्या गलतियां थी क्या त्रुटियां थी सो दैट इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू इम्प्रूव अपॉन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आई विल हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स इफ आई कैन टेक सम ऑफ़ द क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी Yes, I am checking uh, the dialog box. I think no question I can see. Uh, those, there are different forms of and levels of feedback I am getting, but uh, no question so far. Okay, anyway. फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाद में भी आप जब भी इसको देखें प्लीज गिव फीडबैक फॉर दिस वन सेकेंड थैंक यू वेरी मच